जहां से सारे पृष्ठों से उस बिंदु की दूरी बराबर हो। कोई एक बिंदु ऐसा नहीं है जमीन में होना चाहिए, मैंने बोला सारे पृष्ठों से उस बिंदु की दूरी समान होनी चाहिए, तो मतलब कहीं बीच में होगा हवा में वो बिंदु, इससे 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 नीचे इधर और इधर समान दूरी पर रखा हो, बिंदु मान लिया मैंने कोई। अब उस बिंदु का मुझे सारे पृष्ठों से फ्लक्स का मान निकालना है, कैसे निकालूंगी फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स निकाल दिया उस बिंदु पर तो मेरा डाइवर्जेंस निकल जाएगा। सुनते जाओ, अगर मैंने एक घनाभ की किसी ऐसे बिंदु पर फ्लक्स का मान पता कर लिया जहां से इस घनाभ की दूरियां बराबर है, जिस बिंदु से अगर उस बिंदु पर फ्लक्स मिल गया तब भी आपका क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस। तो मेरे समझ में अगर कोई ऐसा बिंदु पता कर लेती हूँ जिससे बराबर दूरी है, वो बिंदु मान लिया भी कोई हवा में रखा भी इसको नहीं बता रही, मैं इसके रूप में बता रही हूँ, कोई बिंदु मान लिया मैंने भी जिससे सारे पृष्ठों की दूरियां आपकी बराबर है, तो उस बिंदु पर फ्लक्स कैसे निकालूंगी। अब फ्लक्स होता क्या है, परिवर्तन होता है। फ्लक्स फ्लक्स क्या काम करेगा, किसी एक पृष्ठ से तो अंदर आएगा और किसी एक पृष्ठ से बाहर आएगा, तभी परिवर्तन पता चलेगा। परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन हो रहा है तो मतलब दूरी के सापेक्ष वो परिवर्तित होना चाहिए। आप अंदर आ रहे हो, जैसे जैसे दूरी घटती जाएगी फ्लक्स में परिवर्तन होता जाएगा, जैसे जैसे बाहर निकलता जाएगा फ्लक्स परिवर्तन होता जाएगा। हर बिंदु पर जैसे रूम में वो एंटर होता है फ्लक्स, तो किसी भी बिंदु पर निकाल दीजिए फ्लक्स का मान चेंज होगा, परिवर्तन हो जाएगा। एक काल्पनिक रेखा ही होती है फ्लक्स, और कुछ नहीं है। जो काल्पनिक रेखाएं रूम के अंदर आ रही है वही फ्लक्स है, और अगर काल्पनिक रेखाएं दूरी के सापेक्ष परिवर्तित होती जा रही है वो काल्पनिक रेखाएं परिवर्तित होंगी। रेखाओं द्वारा जो बल लगेगा वो परिवर्तित होगा, या तो बल का मान बढ़ेगा या बल का मान कम होगा। जैसे कल चुंबक का मैंने एग्जांपल दिया था, चुंबक के जितना ज्यादा पास आओगे तो बढ़ेगा, और जितना ज्यादा दूर ले जाओगे घटेगा। तो मान लिया आपने चुंबक जो है वो इस एग्जांपल देने में कोई चुंबक का काम नहीं है, केवल इसमें तो फ्लक्स का काम है। मैंने मान लिया चुंबक आपने उस बिंदु पर रख दी है जहां पर आपको फ्लक्स नापना है, पी बिंदु पर रख दी है। अब आप वहां से दूसरी चुंबक ला रहे हैं तो आपकी काल्पनिक रेखा जाएगी जो इस बिंदु तक आएगी, बीच में से जैसे जैसे पास आते जाएंगे प्लस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दूर आते जाएंगे प्लस कम होते जाएगा। मतलब पी बिंदु पर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो वहां से आप निकालोगे डाइवर्जेंस। अब पी बिंदु ऐसी जगह पर है यहाँ से आने वाली और यहाँ से जाने वाली रेखाएं बराबर है, यहाँ से जितनी आएंगी वहां से आती जाएंगी, तो प्लस परिवर्तन होगा पी बिंदु पर। ऐसे ही आपको छह पृष्ठों से फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है, पहले इस पृष्ठ से अंदर आएंगी और इस पृष्ठ से बाहर जाएंगी, इससे अंदर आएंगी नीचे से चली जाएंगी, यहाँ से आएंगे वहां से बाहर चली जाएंगे। तो मतलब आप जब छह पृष्ठों से फ्लक्स में परिवर्तन निकालोगे, पहले एक्स के लिए निकालोगे, एक्स अक्ष के लिए, तो मतलब ये दो पृष्ठ काम करूंगी। जब वाई अक्ष के लिए निकालोगे तो ये दोनों, मतलब जेड के लिए निकालूंगी तो ये दोनों पृष्ठ काम आएंगे। अब आपको क्या करना है, एक्स अक्ष के लिए फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है, पहले फ्लक्स निकालना है सरफेस से अंदर आ रहा है और कितना फ्लक्स आपका सरफेस से बाहर आ रहा है, तो आपका फिर परिवर्तन निकालना है। परिवर्तन मतलब कितना अंदर आया उसमें से कितना बाहर चला गया, जो बचा कुचा है वो किस पर है, पी पर। तो मतलब मैंने अगर माना फाइव वन अंदर आया है और फाइव वन नाइन बाहर गया है, तो मतलब फाइव वन नाइन प्लस फाइव वन नेक्स्ट कर दोगे बचा को पता चलेगा इसमें से कितना रहेगा पी बिंदु पर, वो फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। टोटल आया, टोटल में से कुछ भाग चला गया और कुछ भाग रह गया, जो रहा है वो फ्लक्स में परिवर्तन है। अब कितना छोड़ के जाता है आने वाला फ्लक्स और फिर जाने वाला फ्लक्स, जैसे कितना बचता है वो आपको पी बिंदु पर मिलेगा। ऐसे ही तीनों फ्लक्स से निकालना, इससे इससे और इससे, आने वाला और जाने वाला, रिजल्टेंट निकालना है पी पर। जब तीनों से निकालोगे तो तीनों का कर दूंगी मैं सम करने का, मतलब पी पर मुझे तीन बार फ्लक्स मिला है परिवर्तन, तीनों को जोड़कर मुझे कुल फ्लक्स मिल जाएगा किस पर, पी बिंदु पर। जब कुल फ्लक्स मिल जाएगा तब मेरा निकलेगा डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस होगा क्या, धीरे धीरे मैंने निकाला डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता है फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन तो समझ गए, कहां पर मिला मुझे फ्लक्स में परिवर्तन, जो बिंदु का फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और ये घनाभ है, घनाभ है तो मतलब इसकी छह पृष्ठ है, घनाभ के अंदर जो मैं निकालती हूँ वो निकलता है आयतन, घनाभ का निकलता है आयतन, और रेखाएं जो होती है उसका निकलता, जैसे एक पृष्ठ है ये तो इसका निकलता है सरफेस एरिया, और पूरे घनाभ का अगर मैं बीच में निकाल रही हूँ तो मेरा जो निकलेगा वो निकालेगा आयतन। अगर आपके फ्लक्स के फ्लक्स होता है क्षेत्रफल, क्योंकि फ्लक्स
क्षेत्रफल में से अंदर आ रहा है, क्षेत्रफल में से बाहर आ रहा है। एक और होता है ये वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। डी एल जब लगाते हैं जब किसी रेखा पर से आता है या रेखा पर ही आता है। अब मेरा प्रश्न में से आ रहा है, प्रश्न में जा रहा है, रेखा पर जो चलेगा वो डी एल चलेगा, उसे रेखा समाकलन बोलते हैं। और ये प्रश्न समाकलन जब किसी ट्रस्ट में से अंदर आएगा तो ट्रस्ट में से बाहर जाए तब तो डीएस होता है। जब रेखा के सम्मिलित आता है, किसी एक रेखा से आता है और दूसरी रेखा पर जाता है तो यह रेखा समान बन जाता है। अब मेरा फर्स्ट में परिवर्तन मैंने माना कि बिंदु पर फ्लक्स में कुल परिवर्तन है वो ए वेक्टर डॉट बी एल वेक्टर है और किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, आयतन के। अगर आयतन के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कहलाता है इसका डायवर्जेंस। आयतन की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि बंद पृष्ठ है और घनाभ है, घनाभ का पूरा अंदर निकाल रहे हो तो अंदर को आयतन निकलता है। फिर अगर मैं पृष्ठ पर निकालती तो क्षेत्रफल निकलता। मैंने ऐसा नहीं बोला किसी प्लस पर आपको फ्लक्स का परिवर्तन चाहिए, आपको डायवर्जेंस जो निकालना है वो कमरे के अंदर निकालना है और कमरे के अंदर जो निकलता है वो आयतन के सापेक्ष परिवर्तन होगा। अगर मैं बोलती कि किसी एक प्लस पर निकाल दो प्लस का मान तो आप परिवर्तन करते तो आप क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन करते। एक प्लस का क्षेत्रफल होता है और घन के अंदर निकालते हैं तो उसका आयतन होगा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा जाएगा तो आयतन के सापेक्ष को परिवर्तित हो रहा है। जैसे अंदर आया तो अंदर आने पर 3D हो गया, 3D में जो निकलता है वो आयतन निकलता है। आपकी जो पार्थिव रेखा यहाँ पहुंची तो मतलब आयतन के सापेक्ष परिवर्तित होनी, आगे बढ़ी फिर आयतन के सापेक्ष। आयतन जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा या कम हो रहा है तो जो आने वाली रेखा है उनको लगने वाला वर्तमान परिवर्तित होता जा रहा है और किसके सापेक्ष हो रहा है, आयतन के सापेक्ष। क्योंकि वो अंदर जब आएंगी तो घनाभ होगा अंदर, 3D है और 3D के अंदर जो परिवर्तन होगा तो किसी रेखा के सापेक्ष परिवर्तन ना होगा, दूरी के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होगा, वो होगा इसके आयतन के सापेक्ष। तो इसका मतलब फ्लक्स जब डायवर्जेंस निकालते हो तो डायवर्जेंस परिवर्तन निकालते हैं फ्लक्स का किसके सापेक्ष, आयतन के सापेक्ष। आयतन के सापेक्ष जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसे ही बोलते हैं डायवर्जेंस। आगे समझ में और लिमिट चलती है मतलब डिविडेंडिंग इक्वल जीरो का मतलब है आयतन में बहुत कम परिवर्तन होना चाहिए, इतना कम परिवर्तन होना चाहिए कि हम उसे कितना मान सकें जीरो। मतलब आयतन के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वैसे भी नहीं होगा। घन के अंदर आप आओगे तो घन का आयतन तो फिक्स रहता है, ऐसे कोई ना परिवर्तित होता रहता है, घन का आयतन तो फिक्स रहता है। आप अंदर आइए तो आपका हर एक पॉइंट पर कई बार भी निकाल लीजिए आयतन पर आयतन का मान कभी परिवर्तन नहीं होता घन का। तो इसका मतलब मैं डीवी को क्या लिख सकती हूँ, टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत कम मान में परिवर्तन होगा इसके जीरो। आयतन के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन होता है जो हवा बिंदु पी है उस पर कोई फ्लक्स का मान निकालना है, मतलब छह ब्रशों से आपको पी पर कोई फ्लक्स का परिवर्तन निकालना है और किसी घनाभ का आयतन निकालना है, दोनों का भाग देना है और डायवर्जेंस निकालना है। अगर ये डायवर्जेंस निकालना है तो मैं मान सकती हूँ जो आपकी मैं सिस्टम लेके चल रही हूँ उसके अंदर मुझे एक घनाभ की कल्पना करनी है, तभी मैं डायवर्जेंस निकलेगा। अगर घनाभ नहीं होगा तो मैं इसके अंदर डायवर्जेंस नहीं निकाल सकती। डायवर्जेंस निकालना है, साथ में निकालनी है तो वो आयतन के सापेक्ष परिवर्तन मान निकालता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर घनाभ की कल्पना करनी है। अब यहाँ पर बनाना है मुझे घनाभ, आगे समझिए अब बनाइए यहाँ पर। मैंने बोला इस घन के बीच में एक बिंदु चाहिए जहाँ पर मुझे फ्लक्स का परिवर्तन निकालना है, इसके बीच में लेना पड़ेगा। मैंने इसके बीच में लिखा है कोई बिंदु P है जिस पर मुझे फ्लक्स का परिवर्तन निकालना है। अब इसके अंदर प्रश्न छह है, एक दो तीन चार पांच पिछली छह, तो मैं किसी एक प्लस से तो आने वाला प्लस लूंगी और किसी एक प्लस से जाने वाला। और हमें ये पता है अगर प्लस अंदर आएगा तो पॉजिटिव होगा और जाएगा तो नेगेटिव होगा। जिस प्लस से अंदर आएगा उसको पॉजिटिव प्लस में भी चलेगा, जिस प्लस से जाएगा नेगेटिव होगा। और एक चीज ये मैं उस लेकर यू पर जा रहा है,
ये कौन एक्स एच की लंबाई है, यू की लंबाई, और मैंने बताया था जो लंबाई देखा आपने निकलता है इसका एक्स के लिए कितना मान होता है इसका एच पर डी, मैंने बताया था याद रखना ये काम आएगा बी के लिए एस टू बी का एस एस थ्री बी आगे बराबर अच्छा एक चीज ओके ये की है और मैंने बताया वो अब सारी का निकालते हो किसकी निकालते हो सदिश क्षेत्र तो मतलब जो P है उसमें सदिश क्षेत्र होगा ये सदिश क्षेत्र है ये हमारा सदिश क्षेत्र है और सदिश क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं के वेक्टर अब सदिश की भी इस सदिश क्षेत्र का और वेक्टर है ग्राफ के अंदर तो इसकी भी तीन दिशाएं होंगी x वाली y वाली और z वाली तीनों के बीच में है तो ये तो हुई x वाली y और ये हुई z तीन दिशाएं होंगी तीन दिशाएं ऐसा ही रहते हैं u v w अगर आप a का घटक x अक्ष के सापेक्ष लोगे तो मान लीजिए a वन जब इसका b के सापेक्ष लोगी तो a टू और जब z के सापेक्ष लोगी तो a अब याद रखना प्लस अगर x के सापेक्ष आएगा तो सदिश राशि जो यूज करोगी a वन अगर y के सापेक्ष आएगा तो a टू और उसके लिए अब बना लो ऐसे टॉपिक का सेम है जैसे डेफिनेशन ये फर्स्ट ईयर की है ये डायग्राम सेम फर्स्ट ईयर का आर्टिकल पूरा है जैसे ही है बस सबसे बड़ी क्या हो इससे बस इतना प्रैक्टिकल है और सीन ना है सीधा नहीं हो अभी ये साइड का सामने पे तो प्रति एकांक
आइकन सदिश प्लस प्रति एकांक आयतन सदिश प्लस कॉमा सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस कहलाता है। सदिश प्लस कॉमा सदिश क्षेत्र का डायवर्जेंस कहलाता है। फॉर्मूला इसके अंदर हमें पी बिंदु दिख रहा है, पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? यू वी डब्ल्यू से चल दो पी बिंदु का यू वी डब्ल्यू लिखेंगे। लिखिए माना किसी बिंदु पर लंबे वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु पर आयतन अल्पांश किसी बिंदु पर आयतन अल्पांश dv है। इस बिंदु के निर्देशांक u v w है। तथा इस बिंदु पर सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है। निर्देशांक अक्षों निर्देशांक अक्षों के अनुदिश सदिश क्षेत्र के मान a1 a2 व a3 है। a1 a2 व a3 है। ये वेक्टर कैसे बोल सकते हैं? वेक्टर राशि है, क्या हमें बोलेंगे? a1 a2 a3 अब मैं प्लस का मान निकाल रही हूँ। 30 प्लस कितना प्लस अंदर आएगा उतना प्लस बाहर आएगा। प्लस कैसे निकालते हैं? अभी हमने देखा था प्लस क्या था, ये वेक्टर डॉट डीएस। अब मैं अलग अलग प्लस कौन से प्लस निकाल रही हूँ? सबसे पहले अरे बातें नहीं, पहले मैं इस वाले प्लस से अंदर ला रही हूँ, इस वाले प्लस से बाहर ला रही हूँ। आपकी मर्जी, किसी से अंदर लाओ किसी से बाहर लाओ, ये हमारी पर डिपेंड करता है। किससे अंदर लाते हैं किससे बाहर ले जाते हैं। मैं इधर से तो अंदर ला रही हूँ और इधर से बाहर ले रहा हूँ। इस प्लस से प्लस अंदर आ रहा है, बातें नहीं करो, ये चीज समझना जरूरी है, फिर आ जाएगा सबको। इससे अगर प्लस अंदर आएगा प्लस किस तक ला रही हूँ, इस प्लस से अगर नहीं आऊंगी तो बाद में क्या आएगा? मेरा प्लस जो आएगा वो यहाँ तक आएगा, यहाँ से चलेगा। इस पर मुझे प्लस नापना है कि कितना प्लस अंदर आया है। अंदर आ रहा है तो उसका मतलब पॉजिटिव प्लस है, और प्लस जो अंदर होता है a डॉट ds, वो किस अक्ष के सापेक्ष आ रहा है? अंदर x अक्ष के। घटक जो चलेगा a का वो पता चलेगा आज a1, इसका मतलब a डॉट ds है, मेरा जो चलेगा a1 चलेगा, a नहीं चलेगा। और फिर है मेरा ds, ds मतलब
एरिया किसका निकलेगा क्षेत्रफल, इस वाली मेथड से आ रहा है, ये वाली मेथड से करें इसमें इस प्लस को मानते हैं, इस प्लस से अंदर आ रहा है तो इसका मतलब मैं क्षेत्रफल जो निकालूंगी वो इस प्लस का निकालूंगी क्योंकि मेरे फॉर्म में डी एस वन है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस प्लस का निकालू, ये तो एच वन डी है, ये एच टू डी है, और ये एस डी डब्ल्यू है, क्या होता है एल टू बी, तो ये वाली चीज तो है एच टू डी और ये वाली चीज है एस डी डब्ल्यू डी, ये बन रहा है आपका समतल, वो किसके बीच जो बन रहा है समतल वो किसका बना हुआ है बी ओ डब्ल्यू से बना हुआ है समतल, ये यू का नहीं है समतल, ये समतल जो मिल के बन रहा है वो बन रहा है बी ओ डब्ल्यू से, तभी वो यू अक्ष पर काट रहा है, यू अक्ष को तभी काट सकता है जब वो दूसरे का हो, तभी काट सकता है यू पर काट रहा है, तो मतलब जो क्षेत्रफल किसका निकलेगा वो निकलेगा बी ओ डब्ल्यू से, ये तो बी का हो गया और ये डब्ल्यू का आ गया, बी के लिए तो क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, एल तो इसका हो गया एच वन एच टू डी वी और ये हो गया एस थ्री डी डब्ल्यू, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा एच टू एस थ्री डी वी डी डब्ल्यू, तो टोटल क्लास हो गया एस टू एस थ्री डी वी डी डब्ल्यू, ये तो वो फ्लक्स का मान है जो यहाँ से अंदर आएगा, अब इसके आगे आ जाओ, अगर जितना अंदर आए और उतना ही बाहर चला जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन जीरो होगा, लेकिन हमें पी बिंदु पर नापना है तो कुछ फ्लक्स पी पर रहना चाहिए तभी बाहर जाना चाहिए, तो मतलब जब ये फ्लक्स अंदर आएगा पी पर पहुंचेगा तो पहुंचने वाला फ्लक्स इसके बराबर नहीं होगा, अब जो रुकेगा इस पर तो कुछ अंदर होगा बाकी तो रिजल्ट बाहर चला जाएगा, जो फ्लक्स पी पर पहुंचा है उसका मान देखते हैं कितना फ्लक्स है, अब ये फ्लक्स तो अंदर आ गया कहां से यहां से चलकर पी पर आया, तो मतलब यहां से चलकर पी बिंदु पर आया, कितनी दूरी तय हुई यहां से आकर आने में डी होगी, h1 डी है अगर मैं पूरे घन का निकालूंगी तो जो परिवर्तन होगा वो आयतन के सापेक्ष होगा, अब मैंने कहा इस प्लस से प्लस अंतर आएगा, इस प्लस से जब वो पी तक पहुंचा है तो इसका मतलब दूरी के सापेक्ष प्लस का परिवर्तन हो गया, किस दूरी के सापेक्ष हुआ है h1 d के सापेक्ष, और दूरी जो परिवर्तन चेंज करके आया है ड्राइवर को केवल आगे दूरी तय करके आया, तो इसका मतलब कुल फ्लक्स तो अंदर आएगा और पी तक जो पहुंचेगा वो परिवर्तन होगा आपका कौन सी दूरी के सापेक्ष h1 d, और कितने फ्लक्स का परिवर्तन होगा सेम फायदा इसी फ्लक्स में तो परिवर्तन होगा जो इससे अंदर आ रहा है और पी तक पहुंच रहा है वो फ्लक्स कितना है आपका आगे समझ नहीं आ रहा अब आएगा निकलने वाला में भी सेम बस माइनस कर देंगे ये जो दूरी होगी अब इधर जब आएगा यहाँ से दूरी पॉजिटिव है तो निकलने वाले बीच में यहाँ पॉजिटिव आया तो इधर से निकलने वाली दूरी क्या होगी माइनस जब निकल जाएगा माइनस वाला भी तब मैं रिजल्ट एंड निकालूंगी इसमें से जाने वाले फ्लक्स को माइनस कर दूंगी माइनस करने के बाद लास्ट रिजल्ट आएगा फिर हम बाकी दो से और करना है बाकी दो से नहीं करेंगे पूरा इतना बड़ा इसी प्रकार करके डायरेक्ट आगे समझ में चलो करेंगे देखो बोल रही हूँ आपने कितना तुम लोगों ने ए वेक्टर लिख लिया होगा कौन सा प्लस है जिसका नाम चाहिए आयतन अल्पांश बातें आयतन अल्पांश के पृष्ठ आयतन अल्पांश के पृष्ठ ए बी जी एफ जिसका क्षेत्रफल एच टू एस थ्री डी बी डी डब्ल्यू है ए बी जी एफ जिसका क्षेत्रफल एच टू एस थ्री डी बी डी डब्ल्यू है तथा बिंदु P से दूरी
एस टू एस थ्री डी बी डी डब्ल्यू है तथा पी के टू से थ्री एच वन डी यू बाई टू है निवेशी प्लस कॉमा से निवेशी प्लस पहले लगे इसको नाम दे देना वाई वन पूरा बराबर है और समीकरण नंबर दो आई क्यू डाल परिवर्तन को डाल दो फाइव ये परिवर्तन निकला है
ये एक्स एक्स के लिए निकला है, अब दो के लिए और बचा है वाई के लिए और इसी प्रकार करके देखो परिवर्तन कितना फर्क आएगा वो बता देंगे। अगर दूसरे वाले के लिए निकालोगे कल लिखवाओगी बता जाती हूँ डेल ओवर डेल लिखा है, जब दूसरे के लिए निकालोगे डेल भी आ जाएगा। U के लिए चल रहा है तो यहाँ वन चल रहा है, तो इसका मतलब B के लिए चलेगा तो यहाँ टू चलेगा, और U के लिए चल रहा है तो टू थ्री चल रहा है, और जब B के लिए चलेगा तो यहाँ पर थ्री वन चलेगा। और ये तो डी यू के लिए डी यू सेम डब्ल्यू के लिए निकालोगे ए थ्री आया